नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड क्रिकेट में। आईपीएल 2018 के पहले मुकाबले में ब्रावो के 30 गेंद में 68 रन की मदद से चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 11 के बेहद रोमांचक पहले मैच में मुंबई इंडियंस को एक गेंद बाकी रहते एक विकेट से हराया। हरफन मौला कृणाल पंड्या के 22 गेंद में 41 रन की मदद से मुंबई इंडियंस ने 4 विकेट पर 165 रन बनाए थे। जवाब में चेन्नई ने 15वें ओवर में 7 विकेट 105 रन पर गंवा दिए थे, लेकिन ब्रावो ने 30 गेंद में 3 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 68 रन बनाकर मैच का पासा पलट दिया। 2 साल बाद आईपीएल में वापसी करने वाली महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई टीम को आखिरी 3 ओवर में 47 रन की जरूरत थी। ब्रावो ने 18वें ओवर में मैच की तस्वीर बदलते हुए मिचेल मैक्लनिगन को 2 छक्के और 1 चौका जड़ा। इसके अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह को 3 छक्के लगाए, लेकिन आखिरी गेंद पर मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा को कैच दे बैठे। अब चेन्नई को एक ओवर में 7 रन चाहिए थे और रिटायर्ड हर्ट हो चुके केदार जाधव क्रीज पर उतरे। मुस्ताफिजुर रहमान की पहली 3 गेंद खाली जाने के बाद जाधव ने चौथी गेंद पर छक्का लगाकर स्कोर बराबर किया और अगली गेंद पर चौके के साथ विजयी रन लिए। हमारी वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।